पालकी है। दोस्तों आज दूसरा दिन है सुल्तानपुर सुल्तानपुर सुल्तानाबाद जो भी बोलेंगे। एक्चुअली कल रात को मेरा जो एंडिंग था वो पूरा अधूरा रह गया था, क्योंकि एकदम वक्त पे लाइन चली गई थी, लाइट चली गई थी, इसके पूरा अंधेरा छा गया था। हम लोग रुके हैं सुल्तानाबाद में, और सुल्तानाबाद ये जो है औरंगाबाद से 32 किलोमीटर या 33 किलोमीटर होना चाहिए। तो हम लोगों की वारी जो है, जो पैदल यात्रा है, वो 32 किलोमीटर पर कल एंड हो गई थी। कल बढ़िया सा पहला दिन था और मेरा थोड़ा हालत ख़राब हो गया था, और ठीक है, रात भर में हमने विश्राम करके अच्छा रिलीफ महसूस किया। और अभी मॉर्निंग में 5 बजे उठ के हमने थोड़ा गर्म पानी करके हमने नहा धो के रेडी हो गए, सब लोग चारों रेडी हो गए, गाड़ी भी रेडी होगी, और यहाँ से हम लोग निकलते हैं। यहाँ से तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस करना है अपने को, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, और हो जाएगा, कल हो गया तो आज भी हो जाएगा, बाबा की कृपा है, और उन पे विश्वास करके हम लोग चले हैं नागपुर से। तो चलिए, मेरे चैनल में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, और सबसे पहले तो चाय की टपरी पे जाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं। चलिए साई राम। हम लोग 5 बजे उठ के सब नहा धो के सब रेडी होके हम लोग निकले हैं। 6:30 बजे हम लोग निकले अपने स्टॉप से, और पैदल यात्रा हमारी स्टार्ट हो गई। 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस भी हो गया, और सेकंड थिंग की बस चलते जा रहे हैं, और साई का नाम लेते जा रहे हैं, और मज़ा आ रहा है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, बाकी लोगों का तो बहुत सारे हो गए, 5-6 सालों से मैं ट्राई कर रहा था, नहीं हो पाया, इस साल हो रहा है। अच्छा वातावरण है सुबह सुबह का, पैदल चलने की मज़ा कुछ और है सुबह का। तो चलिए, दूसरा दिन है पैदल यात्रा का, जो पद यात्रा करके बोलते हैं साईं बाबा की। तो आज दूसरा दिन है, सुबह 5 बजे उठ के हम लोग रेडी होके सब 6:30 बजे हम लोग निकले वहाँ पे, और सुबह सुबह एक भक्त जो गांव के थे उन्होंने चाय वगैरह पिलाया सुबह सुबह, तो बहुत अंदर से ठंडी महसूस हो रही थी। और अभी 6:30 बजे से अभी 8:30 या 9:15 बजे है सुबह के, तो 10 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस पार कर लिया, और पैर की तो वाट लग गई है, फिर भी साई बाबा के ऊपर विश्वास है, किसी भी हालत में हम लोग पहुँच जाएंगे। आज दूसरा दिन है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने पहला दिन जो था वो बहुत कठिन चल रहा था, मैंने आसानी से पार कर लिया। फिर दूसरा तो ये थे दासगुरु महाराज के, जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनकी पालकी पीछे में हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नाश्ता करके सब चिवड़ा उड़ा खा के हम लोग अभी रिचार्ज होके चले हैं। तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस है जहाँ पे हम लोग अभी रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके खाना वाना खाने के बाद फिर निकलेंगे नेक्स्ट जर्नी के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से ये समृद्धि महामार्ग का ये पुलिया है, यहाँ पे हम लोग रुके थे, और अच्छा आधा एक घंटा हमने यहाँ पे विश्राम करके हम लोग निकलते हैं। चलिए मिलते नेक्स्ट स्टेशन पे। दोस्तों अभी हम लोग रहे गाँव
दहेगांव के पास, यानी कि दहेगांव में ही पहुँच गए। और यहाँ पे एक फैमिली सेवा करने वाली है, सेवा मीन्स हमको खाना वगैरह खिलाने वाली है। तो यहाँ पे रुकेंगे हमारा आज, अभी तो 12 बज गए और आज का मुझे लगता है कि 15-16 किलोमीटर चले होंगे अभी तक। और यहाँ पे ये दहेगांव में रुक के हम थोड़ा 1.5 घंटा या 1 घंटा हम लोग विश्राम करेंगे और खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग फिर निकलेंगे अपने जर्नी की तरफ। तो आज टारगेट हमारा 25 किलोमीटर का है, 25 किलोमीटर हम लोग चलेंगे और आज का स्टॉप करेंगे। तो चलिए दहेगांव में हम लोग पहुँच गए। नहीं 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 नहीं, बस 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 जाओ, बिस्किट क्या जाओ, तुम लोग मत आए ना, मत आए कैसे लगा हो जाना कहीं तो लोकर अड़े घूम मर दो। तर ते रोज मी 200 लोकांचा झुंबाचा कार्यक्रम घेतो, रोज सकाळी ते 6:15 चालू होते, 7 खतम होते। तर मला बहुत सारे लोकांनी विचारलं, यार भाऊ तुला हे परवडते का, रोज साऊंड सर्व्हिस घेऊन जातो, म्हणजे स्पीकर वगैरे रोज घेऊन जातो, त्या गार्डन मध्ये लावतो आणि सगळे 200 लोक असे जबेत डान्स करत राहते, तुम्ही पाहाल। चलिए दोस्तों, ये दहेगांव, दहेगांव में हम लोग आए थे खाना वगैरह खा, ये उगले फैमिली है, सेवा उगले परिवार तरफ से, हाँ उगले परिवार के तरफ से हमको सेवा मिली आज दोपहर दोपहर के भोजन का। और यहाँ पे सारे लोगों ने हमको चाय वगैरह पिलाया, सब इतना आदर सप्ताह मिला कि हम लोग याद रखेंगे अगले साल तक। ये पूरा गाँव जो है उगले फैमिली का है। तो हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं सीढ़ी की तरफ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे।
नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से ये शिरडी पैदल यात्रा करते हैं। उसमें शिस्तबद्ध पालकी है इनकी, बहुत बढ़िया 15 या 16 दिन की इनकी पालकी है। और इनके साथ ही हम लोग आज रुकेंगे और इनके साथ आगे पीछे हम लोग आगे थे, बाद में ये आगे बढ़ गए, उसके बाद हम लोग पीछे हो गए, ये आगे पीछे चलते रहेंगे। आज शाम का विश्राम इनके साथ ही रहेगा हमारा। तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था आज पद यात्रा का दूसरे दिन में। और आज का जो स्टे है वो एक साईं मंदिर है और वहीं पे खाना वगैरह हम लोग खाएंगे और वहीं पे प्रसाद रहता है। तो आज जो है शाम हो गई है और 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 25 से 26 अभी पार हो जाएगा। तो हम लोगों का आज का पद यात्रा का भी अंत है, मगर कल से फिर से नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ हम लोग निकलेंगे। और आज भी थोड़ा सा पैर में थोड़ा दर्द है, मगर हो जाएगा साई का नाम लेके। और आज का जो वीडियो है और यहीं पे एंड करते हैं और साई बाबा का दर्शन करके वहाँ पे आराम करेंगे आज। चलिए साई राम। तो दोस्तों ये है साई मंदिर और साई मंदिर में हम लोग यहाँ पे रुके, तो यहीं पे हम लोग आज का विश्राम करेंगे। तो चलिए मिलते कल मॉर्निंग में।